चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड साथ साथ में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का, अगर हो सके तो, नहीं तो उसके लिए सेपरेट स्ट्रीम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं सेबी के साथ में। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहली बात, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए, होल्ड, चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट्रक्ट करना। मैं थोड़ा सा डिटेल में लूंगा और थोड़ा सा हिस्ट्री से लूंगा, क्योंकि सेबी और सिकरा की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले सेबी एक्ट का ईयर है 1992, सिकरा का ईयर है 1956, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और कंपनीज एक्ट 2013। ये चारों के चारों सिक्योरिटी लॉ के पार्ट है, जिसमें से शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, ये चैप्टर आपने सीए इंटर लेवल पे ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसलिए सिक्योरिटी लॉ का वो पार्ट वहां पे खत्म हुआ। डिपॉजिटरीज एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, सेबी और सिकरा आपके सिलेबस में है। जिसमें से अगर हम देखें तो सेबी एक्ट का, सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट जो है उसका तीन पार्ट होता है, एक सेबी एज अ एक्ट, सेबी एज अ आईसीडीआर एंड सेबी एज अ गाइडलाइंस, जिसके जगह पे आता है सेबी एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन, एलओडीआर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जिसमें से आईसीडीआर डिलीट हो चुका है, सो इंस्टीट्यूट ने आईसीडीआर आपके सिलेबस से निकाल दिया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमको सिर्फ दो चीजें पढ़नी पड़ती है सेबी के अंदर, दैट इज एक्ट और एलओडीआर। क्लियर है कंसेप्ट? हालांकि आईसीडीआर रखना चाहिए था, काफी इंपॉर्टेंट एरिया था, बट एनीवेज छोड़ दीजिए। सिकरा, अब पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को यह दिक्कत जाती है कि सेबी किसको एप्लीकेबल है, सिकरा किसको एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है, डिपॉजिटरीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है। सिंपल सी चीज मैं बोलता हूं, सेबी एज एन एक्ट इज एप्लीकेबल टू, अब इसके लिए मैं नॉर्मल क्लास के अंदर आधे घंटे तक एक ट्रांजेक्शन बोलता हूं, फिर उस ट्रांजेक्शन के हिसाब से कंसेप्चुअली बोलता हूं कि किसको क्या लगना चाहिए, पर अभी डायरेक्टली सुन लो और इसको याद कर लो, इसके सिवा ऑप्शन नहीं है बेटा। सेबी इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विच आर लिस्टेड, लिस्टेड कंपनीज को सेबी एप्लीकेबल होता है, ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स को सेबी एप्लीकेबल होता है, ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को, और तीसरा इन्वेस्टर्स को सेबी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है कि सर सेबी स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई नहीं होता क्या? सेबी स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई होता है सिकरा के थ्रू, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए बना है सिकरा। इंडिया में 25 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिसमें से रिनाउंड बीएससी और एनएससी है सिर्फ, हालांकि मेरे बुक के अंदर 25 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्ट हमने दी है। डिपॉजिटरीज एक्ट अप्लीकेबल होता है एनएसडीएल और सीडीएसएल को, अगर आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल नहीं पता तो सीए इंटर पे इसका डिस्क्रिप्शन है डिपॉजिटरीज का, जाके वहां देख सकते हो, ये पता होना चाहिए बेटा सीए इंटर लेवल पे ही। कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होता है अनलिस्टेड कंपनीज को, अनलिस्टेड कंपनीज को, और लिस्टेड कंपनी को भी एप्लीकेबल होता है जहां सेबी साइलेंट है, लिस्टेड को भी एप्लीकेबल होगा वेर एवर सेबी इज साइलेंट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज साइलेंट, वहां पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? तो ये है हमारा का इंडिया का सिक्योरिटी लॉ। अब अगर इंडिया के सिक्योरिटी लॉ की हम बात करें तो इंडिया का सिक्योरिटी लॉ का हिस्ट्री काफी अच्छा है, और ये हिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगा क्योंकि ये समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये हिस्ट्री बड़ा काम का है। नॉर्मली इस हिस्ट्री के अंदर मैं हर्षद मेहता, धीरूभाई अंबानी, अजीम फिरोज जमशेद जी, जीजी भोई, प्रेमचंद रायचंद, इनके डिस्क्रिप्शन भी देता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री से जुड़े वो चार लोग हैं जिन्होंने सिक्योरिटीज मार्केट का पूरा चेहरा मोहरा पलट दिया, बट अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सो आई हैव टू गो विद द नॉर्मल हिस्ट्री। प्लीज इसका थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कई सारी ऐसी चीजें समझ में आएगी जो आपने नहीं सुनी होगी। सेबी एक्ट ये शुरू होने के पहले इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था बरगद के पेड़ के नीचे, जो टेंटेटिवली 1800 सेंचुरी के एंड में, 1900 सेंचुरी के एंड में, नियरली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1845 के आसपास, 1842 के आसपास इट इज शिफ्टेड टू दलाल स्ट्रीट, और फिर 1925 में इसने खुद को नाम दे दिया, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उस वक्त ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एओपी बीओआई था। ठीक है, और फिर एओपी बीओआई स्टॉक एक्सचेंज ने खुद के लिए लॉ बना के रखा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन लॉ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर यही, अब देखना ये हिस्ट्री कितना काम में आता है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन लॉ, तब तक इंडिया में इनको गवर्न करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं थी। इंडिया में सबसे पहली सेबी जैसी अथॉरिटी बनी 1945 में, जब लॉ बना कैपिटल मार्केट कंट्रोल रेगुलेशन लॉ।
ठीक है, जिसके अंदर के अथॉरिटी को कहा जाता था कैपिटल मार्केट कंट्रोलर, सीएमसी, क्लियर है आंसर, जो 1945 से काम कर रहा था। और ये जो लॉ था जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लगता था, बढ़ते हुए स्टॉक एक्सचेंज को नंबर को देखते हुए 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज एक्ट बनाया, और कंपनीज एक्ट के साथ में बनाया सिकरा, और ये सभी एओपी बीओआई स्टॉक एक्सचेंजेस को कन्वर्ट कर दिया कंपनी के फॉर्म में, जिस प्रोसेस को आज के डेट में हम जानते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन के नाम से। और एक्चुअली बताऊं तो सिकरा कोई नया लॉ नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन लॉ था उसका ही एडवांस वर्जन है, और सभी स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने इसको अप्लीकेबल कर दिया है। फिर 1945 से लेके वो अथॉरिटी जैसा ही चलता रहा, कैपिटल मार्केट कंट्रोल रेगुलेटर, और 88 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, पहले सेबी अथॉरिटी एज अ कॉन्स्टिट्यूट हुआ, फिर उस अथॉरिटी ने खुद का लॉ बनाया, तो 1992 में बना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, क्लियर है। और सिकरा ये तब से जैसा का वैसा चलता आ रहा है। यह है ब्रीफ हिस्ट्री, आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन डिमेंशलाइजेशन का प्रोसेस सेबी एज अ अथॉरिटी के पावर्स एंड फंक्शन ये इस हिस्ट्री से ही समझ में आते हैं। हालांकि हिस्ट्री रेगुलर बैच के अंदर बम चलता है, पौने एक घंटा आराम से पूरा दिमाग में बिठाने का काम चलता है, पर यहां सिर्फ इतना याद रखना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, ठीक है, ले लिया सबने, चलो वेरी गुड। ये चीज होने के बाद अब मैं स्ट्रेट वे जा रहा हूं सेबी के कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पर्सन होता है, उसे हम कहते हैं चेयरमैन, फिर दो ऑफिसर्स फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, वन ऑफिसर आरबीआई, और 5 ऑल टाइम मेंबर्स। फिलहाल ये वो लोग है, ये नहीं है वो लोग, सॉरी माय मिस्टेक, होल्ड, किधर गया, नप, सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, लेट मी गेट टू, ओके हियर इट इज, चलो आ जाइए। सो वही सेम चीजें, चेयरमैन, दो ऑफिसर्स फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई, वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई, 5 मेंबर्स, जिसमें से ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक चेयरमैन विजय त्यागी जी, अजय त्यागी जी, उसके बाद में दो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट, इनके नाम छोड़ दो फिलहाल रिविजन बैच की वजह से कवर नहीं कर पाएंगे, एक आरबीआई ऑफिसर और 3 फुल टाइम मेंबर, 5 में से 2 पार्ट टाइम हो सकते हैं। फिर सेबी को कुछ 5 पावर्स दिए गए हैं, सबसे पहला पावर है प्रोस्पेक्टस, दूसरा पावर है कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन स्कीम, तीसरा पावर है डायरेक्शन, चौथा पावर है इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, और 5वां पावर है सीज एंड डिसिस प्रोसीडिंग, एक एक पावर में पे कवर करूंगा। पहला पावर है प्रोस्पेक्टस, यहां प्रोस्पेक्टस के थ्रू सेबी सभी ऑफर डॉक्यूमेंट्स को कवर अप करना चाहता है। बच्चों उन्होंने बोला रेगुलेशन प्रोस्पेक्टस के लिए है, पर ये एक्चुअली ऑफर डॉक्यूमेंट में, ऑफर डॉक्यूमेंट का पार्ट प्रोस्पेक्टस होता है, बच्चों ये चीज को याद रखना, ऑफर डॉक्यूमेंट में कई सारी चीजें आती है, कई सारी चीजें आती है, जैसे प्रोस्पेक्टस ये पहली आती है, लेटर ऑफ ऑफर ये दूसरी आती है, तीसरी आती है प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट लगाते हो तो ये आपने सुना होगा, और उसके बाद में चौथा आता है नॉर्मल एनी ऑफर डॉक्यूमेंट जो नॉर्मली आप देते हो, ठीक है, एनी अदर ऑफर डॉक्यूमेंट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह। फिर प्रोस्पेक्टस के अलग अलग पार्ट होते हैं, दैट इज नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, फिर आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फिर आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, फिर आता है अब्रीच प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस के साथ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये सब सीए इंटर पे आपका हो चुका है। इन सबको रेगुलेट करने के लिए सेक्शन 11 ने बनाया है, जिसके अंदर सेबी बोलता है कि आपने किस तरीके से कैपिटल के मैटर्स को कवर अप करना चाहिए, कौन सी चीजें प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करनी चाहिए। सेबी इन मैटर्स को जनरल और स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्ट भी कर सकता है, कौन सी चीज डिस्क्लोज करनी है और कौन सी चीज डिस्क्लोज नहीं करनी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये चीज होने के बाद में अगला आता है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के अंदर सबसे पहला आता है कि सेबी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर, ग्रोथ ऑफ द स्टॉक मार्केट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट, प्रिवेंट एक्शन विच आर डिट्रिमेंटल, फ्रॉड, मार्केट मैनिपुलेशन जैसे, एंड सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए डायरेक्शन दे सकता है। जैसे आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर एटीएम्स वगैरह के लिए, डेबिट कार्ड वगैरह के लिए जैसे डायरेक्शन देता है, वैसा ही सेबी का पावर है। फिर तीसरा वाला पावर होता है इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, जो 10 पॉइंट का प्रोसेस है। कितने पॉइंट का प्रोसेस है? 10। नॉर्मली इसको शोले मूवी के साथ में रिलेट करके हम क्लास के अंदर याद करते हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जिन्होंने क्लास किया उनको याद होगा, पर इसके 10 पॉइंट सिंपली आपने याद रखना। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले सस्पेंशन होना चाहिए, फिर आप इंस्पेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करोगे जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर आप वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देगा सेबी को, फिर सेबी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो सर्च सीजर ओथ करेगा, उसके बाद में वो रिपोर्ट करेगा सेबी को, फिर सेबी ऑर्डर पास करेगा। कंपनी और एवरी ऑफिसर का ड्यूटी है कि वो इस इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के अंदर सपोर्ट करे, अगर वो नहीं करता तो उसको 1 करोड़ तक का फाइन और उसको 1 लाख तक की जेल, 1 ईयर तक की जेल प्लस 5
लाख पर डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए पेनल्टी लग सकती है, जो नीचे लिखी हुई है। सभी सेबी की इतनी सारी भयानक पेनल्टी शुरू हुई है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना। फिर आता है 11D, सीज एंड डेसिस्ट प्रोसीडिंग। सीज और डेसिस्ट प्रोसीडिंग के सिचुएशन में यह बोला गया है कि किसी भी सिचुएशन में, अच्छे तरीके से ध्यान देना, किसी भी सिचुएशन में अगर कोई मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होना चाहता है और इसका सस्पिशन है, तो आप उसको डेसिस्ट कर सकते हो। डेसिस्ट इज अ एंटोनिमस वर्ड टू फॉर असिस्ट। असिस्ट मतलब सपोर्ट करना, डेसिस्ट मतलब पीछे खींचना। पर अगर सस्पिशन है तो आप पीछे खींच सकते हो, लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन है कि सामने वाले पार्टी ने फ्रॉड किया है, तो आप उसको सीज करोगे, आप पीछे नहीं खींचोगे, आप उसको बंद कर दोगे। क्लियर है? सो डेसिस्ट इज अ प्रिकॉशनरी, सीज इज अ कॉन्सिक्वेंशियल। क्लियर है सबको? यह ऑर्डर नॉर्मली इन द कंपनी इन द कोर्स ऑफ लिस्टिंग में पास नहीं किए जाते unless and until there is insider trading and market manipulation। यह है सेक्शन नंबर 11D। उसके बाद में सेक्शन है 11AA, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। वो आप खुद के बिहाफ पे पढ़ लीजिए, सिंपल है। म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग प्रोविजन है कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड ओपन हो सकता है। एक बार सिर्फ रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट देता हूं, रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबडी। चल अगर सबका हो गया हो तो वापस आ जाइए। चल लेट्स गो। अब ये चीज होने के बाद में आज हम अभी हम ले रहे हैं कि सेबी के जो बचे हुए दो तीन तीन चार पांच जो छोटे छोटे सेक्शन है उनको खत्म कर देते हैं। पहला, एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेबी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करेगा खुद के हिसाब से। वी हैव ऑलरेडी सीन एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ खास नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड, ये हमने सेक्शन नंबर 4 के अंदर ऑलरेडी देखा है कितने लोग आएंगे। टर्म ऑफ ऑफिस, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले चेयरमैन जो होते हैं या जो भी लोग होते हैं सेबी के फुल टाइम मेंबर्स वगैरह, इनका टर्म ऑफ ऑफिस नॉर्मली चेयरमैन वगैरह का सबका होता है 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स। आई गेस इस 5 इयर्स हो चुका है अभी, ये टर्म ऑफ ऑफिस 3 इयर्स बाकी नहीं है। 65 इयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट होता है और 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स, इसका 5 इयर्स हुआ है। एक बार अमेंडमेंट हुआ है, एक बार सिर्फ इसको चेक करना रिगार्डिंग टर्म ऑफ ऑफिस। उसके बाद में मैं इसको कंफर्म करके बोलता हूँ। फिर आता है सेबी का टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको सेबी का ऑफिस छोड़ना है तो आपको 3 महीने का नोटिस सीजी को देना पड़ेगा या 3 महीने के जितना रेमुनरेशन कंपेंसेशन सीजी को देना पड़ेगा। और अगर सीजी को आपको रिमूव करना है तो 3 महीने का नोटिस आपको देना पड़ेगा या तो फिर 3 महीने का रेमुनरेशन कंपेंसेशन देना पड़ेगा इमीडिएट रिमूवल के लिए। अगर रिमूवल करना है तो कुछ बेसिस के ऊपर हो सकता है, जैसे इंसॉल्वेंसी, अनसाउंड माइंड, कॉन्विक्शन बाय ऑफेंस विच इज इन्वॉल्विंग मॉरल टप्टीट्यूड। उसके बाद में अगर वो ऐसा कोई भी अब्यूज ऑफ पोजिशन करता है या तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट को डिट्रीमेंटल चीज करता है, तो ऐसे केसेस में रिमूव हो जाएगा। सेबी के मीटिंग्स और उसके कोरम्स और उसका चेयरमैन वगैरह, ये सब नॉर्मली रूल्स के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। डिसीजन ही हमेशा मेजोरिटी ऑफ वोट से ही सेबी के केस में लिया जाएगा। क्लियर है आंसर? मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग इन सर्टन केसेस। कुछ केस में मेंबर्स डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर वो इंटरेस्टेड है तो। ये सेक्शन 184 जैसा है। अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड हो तो ऐसे किसी सिचुएशन में आपने खुद का इंटरेस्ट बोलना है और ऐसे मीटिंग के अंदर आप नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही वोट कर सकते हो। ये 184 जैसा है। वैकेंसीज, अगर कोई भी वैकेंसी हो गई है सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस सिचुएशन के वजह से, किसी भी वैकेंसी की वजह से, सेबी के टास्क इनवैलिड नहीं होंगे। सेबी के टास्क इनवैलिड नहीं होंगे, सेबी उस ड्यूरेशन में जो भी काम करेगा वो वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल, किसी मेंबर का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव किया था, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव होने की वजह से पूरे सेबी का काम डिफेक्टिव नहीं हो जाता, सेबी का काम नॉर्मल ही माना जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कि सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कितने फंक्शन है, इसको मैंने लिस्ट करके रखा है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जनरलाइज फंक्शन है कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो। गो फॉर इट फास्ट, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा।
यस इट इज अ 5 ईयर्स। ऊपर जो है हमारा बूस्टर विजन बुक के अंदर भी सबने चेंज करके रखना, ये 5 साल हो चुका है बच्चों, ठीक है, दिस इज 5 ईयर्स, ठीक है। ये वाला एरिया आप नीचे वाला रीड कर सकते हो, ये इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेके रखिए, गो फॉर इट फास्ट। लक्ष्य पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगाया बेटा, सिर्फ गाजियाबाद क्या, सभी जगह लगने वाला है। अंकित जो मेरा क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आंसर मेरे हिसाब से दिए हैं, मेरे लॉजिक, लेकिन साथ साथ में आईसीआई के भी सभी आंसर्स को हमने देख के आईसीआई के हिसाब से आंसर दिए, पर डिटेल में दिए हैं और हर जगह पे नोट है जहां मेरे लॉजिक और आईसीआई के लॉजिक डिफर होते हैं। चलो डन एवरीबॉडी, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। चलो ये चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर मैं जाता हूं। अब आते हैं सेबी के पेनल्टीज बच्चों, ठीक है। 11ABCD हमारा हो चुका है। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, ये चीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 12, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ठीक है। सबसे पहले पर्सन हु आर ऑथोराइज टू बाय सेल और डील इन द सिक्योरिटीज, उन्हें हम कहते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, उन्हें हम कहते हैं सब ब्रोकर्स, ट्रांसफर एजेंट, बैंकर इशू, बैंकर टू द इशू, ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सब लोगों को सेबी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है और इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा खुद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके सिवा आप कैपिटल मार्केट में काम नहीं कर सकते। बोर्ड शॉल नोटिफाई स्पेसिफाई पर्सन हु शॉल बाय सेल और डील इन सिक्योरिटी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन सिक्योरिटीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये बैक ऑफिस वाले लोग होते हैं। डिपॉजिटरी बैक ऑफिस, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन बैक ऑफिस, सिक्योरिटीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बैक ऑफिस, इनको से भी नोटिफाई करके बताएगा कि कौन से लोग सिक्योरिटीज मार्केट में बैक ऑफिस सर्विसेज दे सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? इनके लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। पर्सन हु शॉल बी स्पॉन्सर और कॉस्ट टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी ऑन कॉस्ट टू बी कैरीड ऑन वेंचर ऑफ कैपिटल फंड्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अगर आप म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर वेंचर कैपिटल फंडिंग शुरू कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक वेंचर को कैपिटल प्रोवाइड करना, तो भी इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगेगा सेबी की तरफ से। ये बोला है सेक्शन नंबर 12 में और इसकी प्रोसेस हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, हालांकि इसकी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस आते हैं सेबी के सिचुएशन में कि मतलब आप देख के दिल दहल जाएगा आपका, पर ये सिलेबस में नहीं है, थैंक गॉड। फिर उसके बाद में आता है फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट। सिंपली आपका सेबी एज अ बोर्ड है, एप्रोप्रिएट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से आप बोर्ड मेंटेन करेगा। बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड शॉल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, उसके अंदर ग्रांट फीस, चार्जेस फीस, ये सब आ जाएगा। सम रिसीव्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम द सोर्स डिसाइडेड अपॉन सीजी आएगा, इसको अप्लाई किया जाएगा। सैलरीज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सेबी के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए, एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड फॉर इट्स फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए, एक्सपेंस फॉर द ऑब्जेक्ट एंड द पर्पज ऑथोराइज, जैसे इन्वेस्टर के एजुकेशन के प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर को अवेयर करने के लिए, या जो भी केस लॉ लिटिगेशन को हैंडल करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। इसको ऑडिट हमेशा सीएजी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये चीज को याद रखना। उसके बाद में सीएजी स्पेसिफिक इंटरवल्स में भी ऑडिट कर सकता है। सीएजी के राइट्स और प्रिविलेजेस ये ऑडिट के गवर्नमेंट अकाउंट के जो ऑडिट है उसके हिसाब से मेंशन किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये नॉर्मल से प्रोसीजर है, हमको पता है हर गवर्नमेंट अथॉरिटी का ऑडिट सीएजी ही करता है। अगले सिचुएशन के ऊपर जाते हैं, प्राइम इंपोर्टेंस, इसके ऊपर थोड़ा समय देना पड़ेगा। पेनल्टीज ऑफ सेबी, पेनल्टीज ऑफ सेबी है सेक्शन नंबर 15A से लेकर 15HB, साथ में सेक्शन नंबर 12A और साथ साथ में 12A में इसके अंदर कवर कर रहा हूं, साथ साथ में सेक्शन नंबर 24। इस तरीके से हमको सेबी की पेनल्टीज पढ़नी है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, आपको याद भी हो जाएगी और इमीडिएटली याद हो जाएगी, और याद होने के बाद मेरे को बताना आपको इसके बारे में कैसा लगा, ठीक है। पहली पेनल्टी आप देख सकते हो फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए है, इंफॉर्मेशन, बुक्स, अदर्स डॉक्यूमेंट्स, या फेलियर टू प्रोवाइड बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, मतलब आपको इस पेनल्टी के अंदर देने हैं अकाउंट्स, बुक्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है ए फॉर अकाउंट्स, बुक्स एंड रिपोर्ट्स, ए फॉर अकाउंट, बुक्स एंड रिपोर्ट्स, सभी पेनल्टी अल्फाबेटिकली याद कर लेंगे। बोलो ए फॉर अकाउंट बुक रिपोर्ट, लिखो कमेंट्स के अंदर ए फॉर अकाउंट बुक्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। तो आपको याद रहेगा ए फॉर अकाउंट बुक रिपोर्ट, अगर आप ये सेबी को फर्निश नहीं करते 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। क्लियर है? 15B में फेलियर बाय इंटरमीडियरी टू एंटर इंटू एग्रीमेंट विद क्लाइंट, इट इज अ ड्यूटी ऑफ ब्रोकर्स एंड स्टॉक ब्रोकर कि कोई नया इन्वेस्टर आता है तो उसके साथ एग्रीमेंट करे, अगर वो नहीं करते तो उस केस में उनको 1 लाख पर डे या 1 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। फेलियर बाय इंटरमीजरी, इंटरमीजरी मतलब ब्रोकर, सो बी फॉर ब्रोकर, ब्रोकर्स एग्रीमेंट। क्लियर है? ए फॉर अकाउंट्स बुक्स रिपोर्ट्स, लिखो सब जाने, ए फॉर अकाउंट बुक रिपोर्ट, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट। फिर उसके बाद में सी, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रेवियंस, ग्रेवियंस मतलब कंप्लेंट, सो सी फॉर कंप्लेंट्स।
सी फॉर कंप्लेन्स, लिखो सब जन, सी फॉर कंप्लेन्स, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। सो ए फॉर अकाउंट्स बुक्स रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेन्स, 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। 15D, ठीक है, डी के अंदर हम म्यूचुअल फंड के लिए पेनाल्टी लगाते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड ने रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, दूसरा म्यूचुअल फंड ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कैरी करते वक्त सभी कंडीशंस को कंप्लाई करना सर्टिफिकेट के जरूरी है, तीसरा म्यूचुअल फंड ने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को लिस्ट करना जरूरी है लिक्विडिटी के लिए, चौथा यूनिट सर्टिफिकेट डिस्पैच करना जरूरी है, और पांचवा म्यूचुअल फंड का अगर पैसा नहीं आया तो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये इतना सटीक है कि अगर आपने रियल एस्टेट स्कीम के लिए पैसा लिया है और सॉफ्टवेयर कंपनी में पैसा लगाया तो भी आपको पेनल्टी लग जाएगा। तो आपने रियल एस्टेट के ही कंपनी में म्यूचुअल फंड का पैसा लगाना चाहिए अगर वो रियल एस्टेट स्कीम है तो। और छठवां रिफंड, अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आ पाया तो आपको रिफंड करना पड़ेगा पैसा। 6 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, समझ लेना। दर्शन सर ने म्यूचुअल फंड खोला, दर्शन म्यूचुअल फंड, क्लियर है? डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना, क्लियर है आंसर? ए फॉर अकाउंट्स बुक्स रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लायंस बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड। दर्शन म्यूचुअल फंड में 6, रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, यूनिट सर्टिफिकेट, लिस्टिंग, इन्वेस्ट, रिफंड, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अगला ई, ई फॉर आता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर म्यूचुअल फंड को रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है तो असेट मैनेजमेंट को भी पेनल्टी एप्लीकेबल है क्योंकि वो म्यूचुअल फंड के लिए वर्क करता है। अब असेट के सिनोनिम्स वर्ड है इस्टेट, तो आप याद रख सकते हो ई फॉर इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी, इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो एक बार वापस बोलो, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लायंस बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, ई फॉर इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? उसके बाद में एफ, एफ फॉर फेल्योर बाय ब्रोकर, फेल्योर बाय ब्रोकर, फेल्योर बाय ब्रोकर मतलब ब्रोकर ने अगर कोई गलती कर दी तो ऐसे सिचुएशन में 3 टाइप की गलतियां ब्रोकर कर सकता है। पहले तो ब्रोकर ने ठीक तरीके से इनवॉइस और कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया। अब इस पेनल्टी में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है तो इसको जरा ठीक से समझना क्योंकि मॉड्यूल में अलग दिया है, बेयर टेक्स में अलग दिया है, कहीं कुछ अलग दिया है। तो इस केस में याद रखना पेनल्टी सिंपल है, 1 लाख। अगर मेरे क्वेश्चन एयर में भी हाईएस्ट क्वेश्चन एयर में एक जगह पे इसको पेनल्टी को अलग दिया है तो 1 लाख और अप टू द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, 1 लाख और अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, विच एवर इज हायर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, 1 लाख और अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, विच एवर इज हायर, इतना पेनल्टी आपको लग सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज को याद रखना, कुछ जगह पे 5 टाइम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट लिखा है तो इसको ये नहीं मानना है। कंसेप्ट समझ में? अप टू द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट एज पर आईसीआई, भले ही बेरेटेक्स में चाहे कुछ भी लिखा हो। दूसरा, फेल टू डिलीवर द सिक्योरिटीज और फेल्स टू मेक अ पेमेंट। अगर आपने सिक्योरिटीज का डिलीवरी नहीं दिया, नॉर्मली आपने सुना होगा T+2 सेटलमेंट डेज होते हैं, तो अगर आपने सिक्योरिटीज का डिलीवरी नहीं दिया या अगर शेयर बेचे हैं और उसका पेमेंट आपने नहीं किया तो 1 लाख पर डे और 1 करोड़, ओल्ड वाली पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आपने कभी एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर दिया, नॉर्मल ब्रोकरेज आप चार्ज करते हो 0.50 रुपीज फॉर एवरी 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन, ये इक्विटी शेयर्स के केस में, और अगर आप फ्यूचर ऑप्शन वगैरह में ट्रेड कर रहे हो, डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, तो ₹100 पर लॉट, इतना ब्रोकरेज आप नॉर्मली मैक्सिमम चार्ज कर ससकते हो। अगर आप इससे ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हो तो 1 लाख और 5 टाइम्स ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज, विच एवर इज हायर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जोर से बोले सर ना। फिर उसके बाद में सेक्शन 12 है, हर्षद मेहता की केस, मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, मोडस ऑपरेंडी, क्लियर है? मोड ऑफ ऑपरेशन, रॉन्ग मोड ऑफ ऑपरेशन, डिफ्रॉड कर रहे हो आप स्टॉक मार्केट को। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एम्प्लॉय कर रहे हो किसी भी तरीके का मैकेनिज्म, डिसिप्टिव डिवाइस जो स्टॉक मार्केट को हिला के छोड़ देगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? रॉन्गफुल ऑपरेटिंग, फ्रॉडुलेंटली ऑपरेटिंग मोड, ऐसे सिचुएशन की वजह से आपको पेनल्टी लग सकती है 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, इतना पेनल्टी आपको लग सकता है। यह चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बारे में 15G, जी फॉर मैं बोलता हूं घर का, घर का मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग, याद रखना, जी फॉर घर का मतलब इनसाइडर। कॉन्सेप्ट समझ में? सो एक बार वापस से, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंस बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, ई फॉर इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी, एफ फॉर फेल्योर बाय ब्रोकर के अंदर 3, कॉन्ट्रैक्ट नोट, डिलीवरी पेमेंट, एक्सेस ब्रोकरेज। उसके बाद में 12A, हर्षद मेहता, मॉड्यूलस ऑपरेंडी, और 15G, जी फॉर घर का मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो, 3 तरीके होते हैं बच्चों इनसाइडर ट्रेडिंग के। सबसे पहले खुद सिक्योरिटीज के अंदर डील करना, दूसरा किसी भी पर्सन से आपने प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को देना, क्लियर है, काउंसलिंग यानी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और तीसरा कम्युनिकेशन ऑफ पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या आपने उसके लिए डायरेक्शंस दे दिए,
कंसेप्ट समझ में, खुद डील किया, इंफॉर्मेशन दिया या खुद डायरेक्शंस दे दिया कि इस तरीके से आपने करना है, तो ऐसे सिचुएशन में पेनल्टी है 10 लाख से 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड व्हिच इज हायर। बहुत सारे बच्चों को पेनल्टी नहीं समझती, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट है 10 लाख फिक्स, कह रहे ये फिक्स है, अपर लिमिट वेरिएबल है जो हो सकती है 25 करोड़ या तो फिर 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड विच एवर इज हायर। अपर लिमिट वेरिएबल है विच एवर इज हायर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीज को अच्छे से याद रखना। जी फॉर घर का, एच फॉर अगर आपको किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बननी है, जैसे हम रेगुलर बैच के अंदर टाटा कोरस का एग्जाम्पल इसके लिए लिए थे कि टाटा कंपनी कोरस को एक्वायर कर रही थी, कब बिड हुआ, कितने अमाउंट का बिड हुआ, कितने साल पहले हुआ, तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। अभी फिलहाल अपनी इसके तरफ ध्यान देना है, एच फॉर होल्डिंग उतना समय नहीं है केस लेने लायक, सो जरा ध्यान देना। डिस्क्लोज द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग पैटर्न, कितना आपका एग्रीगेट शेयर होल्डिंग पैटर्न है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, ये आपने डिस्क्लोज करना है, क्लियर है। मतलब टाटा कंपनी कोरस में ऑलरेडी कितना शेयर होल्ड करती है ये डिस्क्लोज करना है। दूसरा, पब्लिक नोटिस देनी है सबको कि आप उसको एक्वायर कर रहे हो, साथ में आपने इंडिविजुअल नोटिस देनी है शेयर होल्डर्स को कि आप एक्वायर करना चाहते हो उनके सभी 100% शेयर्स को, और उसके बाद में आपने उनको कंसिडरेशन ट्रांसफर करना है। इसमें से एक भी चीज का कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी सेम है 10 लाख मिनिमम लिमिट से 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड व्हिच एवर इज हायर अपर लिमिट, क्लियर है कांसेप्ट। ये चीज होने के बाद में अगला 15HA, HA फॉर हाहा, ऐसे बोलना हाहा फ्रॉड हो गया, हाहा फ्रॉड हो गया, एंड एच फॉर था होल्डिंग, एच फॉर होल्डिंग और एच ए फॉर हाहा, इसके बीच में कभी भी कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। हाहा फ्रॉड हो गया, बोलो सज्जन लिखो कमेंट के अंदर, हाँ हाँ फ्रॉड हो गया। सो अगर फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग किया जाता है, अनफ्रेडेड ट्रेड प्रैक्टिस की जाती है, तो 5 लाख मिनिमम लिमिट है, लोअर लिमिट अभी जैसे मैंने बताया था 5 लाख है, अपर लिमिट 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड व्हिच एवर इज हायर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिर पूरे कंपनीज एक्ट में अगर कोई भी पेनल्टी नहीं दिया है, कंपनीज एक्ट नहीं, पूरे सेबी में कोई पेनल्टी नहीं दिया है लेकिन कॉन्ट्रावेंशन दिया है, तो ये पेनल्टी लगेगी। याद है कंपनीज एक्ट में हमने सेक्शन 450 पढ़ा था हब ऑफ पेनल्टी वाला, वैसा ही ये पेनल्टी है 1 लाख पर डे और 1 करोड़ व्हिच एवर इज लोअर, क्लियर है। ये पेनल्टी आपको यहां पे लगेगा व्हिच एवर इज लोअर, ये चीज को याद रखना। सो वापस से एक बार लेते हैं, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लाइंस बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, कैसा लगता है जरूर बताना। E for estate management company, F for failure by broker में 3 contract note, delivery payment, excess brokerage, H उसके बाद में 12 बज गए हर्षद मेहता, 15G घर का, insider trading 3 तरीके से कर सकते हो, खुद करना, direction देना, information देना। H for holding, holding में 4 चीजें, सबसे पहला कितना holding है वो बताना, public notice, individual notice, consideration, उसके बाद में हाहा fraud हो गया, और उसके बाद में HB for hub of penalty, HB for hub of penalty, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना। और फिर अगर आपने ये पेनल्टी पे नहीं की 90 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर आपने पेनल्टी पे नहीं की, 90 डेज के अंदर, तो आपको 1 महीने से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है, साथ में 25 करोड़ का फाइन आपको एडिशनली लग सकता है। यहां पे सीबी की पेनल्टीज खत्म होती है 24 घंटे जेल में, लास्ट सेक्शन की मेमोरी टेक्निक है 24 घंटे जेल में, क्योंकि आप जेल में जा रहे हो 12 घंटे तो नहीं जाओगे ना, पूरे 24 घंटे जाओगे, तो याद रखना। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलना, गो फॉर इट फास्ट। जबरदस्त, सबको अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बैंकिंग इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यहां पे नहीं होगा बेटा पुनित, सिर्फ न्यू सिलेबस का हम रिवीजन ले रहे हैं, क्योंकि उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है और मैक्सिमम बच्चों को हमें बेनिफिट देना है। चलो डन, थैंक यू सो मच गाइस, सबको पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ये हो गए सेबी की पेनल्टीज खत्म। सेबी की पेनल्टीज के बाद में आता है अपील्स एंड एडजुडिकेशन, तो मैं आपको सेबी का थोड़ा अपील और एडजुडिकेशन वाला चार्ट दिखा दूं, एक ही चार्ट के अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। लंबा चौड़ा चार्ट है, समझने में काफी आसानी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा, आई होप सो। सो आ जाइए, ठीक है। मैं सेबी और सिकरा का अपील एक साथ ले रहा हूं, सिकरा अभी मैं नहीं पढ़ाया हूं, पर सिकरा का भी अपील मैं यहीं पे ले दे रहा हूं, क्योंकि सेबी और सिकरा का अपील थोड़ा सा एक जैसा होना चाहिए, इसलिए ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा। रेडी, लेट्स गो। सबसे पहले सेबी का अपील, ठीक है। सेबी के अंदर अपील होता है 1992 में, ऑर्डर अगर आपके पास खिलाफ पास किया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, ठीक है,
एओ ने, जैसे असिस्टिंग ऑफिसर होता है इनकम टैक्स एक्ट में, वैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेबी के अंदर, ठीक है। फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 15A टू 15HB 24R 12 में कोई भी पेनल्टी लगाया तो 45 डेज के अंदर प्लस 45 डेज आपको मिल सकते हैं ऑन स्पेसिफिक कॉज। आप सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो सैट को, जो एस्टेब्लिश किया जाएगा सीजी की तरफ से, क्लियर है कंसेप्ट, जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी सीजी डिसाइड करेगा। सैट को सिविल कोर्ट के पावर रहेंगे, ये सीजी ने बोल के रखा हुआ है। सैट 6 मंथ्स में केस को डिस्पोज करेगा। अब आपको इसमें यहां डिसाइड करना है कि ये क्या ये केस स्पीडी ट्रायल का है या नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर ये स्पीडी ट्रायल का केस है तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेट अवे आपके पास स्पेशल कोर्ट के पास जाने के पावर्स है, और स्पेशल कोर्ट यहां पे जो भी डिसीजन देगा वो फाइनल और नॉन क्वेश्चनेबल होगा। लेकिन अगर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल से आपको आराम से जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम करना है फटाफट फटाफट, इतनी कोई जल्दी नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हो 60 डेज में, प्लस 60 डेज में जो डिस्पोज करेगा सू मोटो। ये इंटरप्रिटेशन निकाला गया है मेरे तरफ से, जो भी आपको सही लगे। अगर आपके यहां डिस्प्यूट हो सकता है, अगर आपको बोला है आपके ऑथर ने कुछ और मानने के लिए, तो प्लीज उसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यह नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है। वैसे ही सिकरा, अब सिकरा का प्रॉब्लम यह है, सिकरा का अपील मैं यहीं पर ले रहा हूं तो इसको अच्छे से याद रखना। सिकरा का प्रॉब्लम यह है कि सिकरा में दो टाइप के अपील है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि सिकरा में दो टाइप के अपील होते हैं। हाँ, जैसे सिकरा में पहला अपील होता है सेक्शन 23 में, सीबी के जैसे 15A में पेनल्टी है, वैसे ही सिमिलर पेनल्टी सिकरा के 23 में है, सिर्फ दो तीन पेनल्टीज अलग है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिकरा में भी सिमिलर ही पेनल्टीज है, यह चीज को आपने याद रखना। सबसे पहला, अपील अगेंस्ट लिस्टिंग दो टाइप की अपील है। पहला है अपील अगेंस्ट लिस्टिंग और नॉन लिस्टिंग ऑफ शेयर, और दूसरा है अपील अगेंस्ट पेनल्टी। अगर आपने आपके कंपनी ने स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट करने के लिए एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने आपको लिस्ट नहीं किया, या लिस्ट थे आप और आपको डीलिस्ट कर दिया, तो जब से आपने एप्लीकेशन किया है वहां से 15 डेज के, जब से एप्लीकेशन किया है वहां से रिजेक्शन आएगा, तो रिजेक्शन से 15 डेज के अंदर, एक तो डीलिस्टिंग के 15 डेज के अंदर, या तो फिर अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया स्टॉक मार्केट ने, तो 10 वीक्स तक वेट करना, और 10 वीक के बाद 15 डेज के अंदर, एक तो रिजेक्शन आया तो 15 डेज के अंदर, नहीं आया तो 10 वीक तक वेट करना, 10 वीक के बाद 15 डेज के अंदर यू कैन अपील टू सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑर्डर है वो एक तो कंफर्म करेगा, या उसको मॉडिफाई करेगा, या उसको बाजू में रख देगा और खुद को ऑर्डर देगा। फिर आप अपील कर सकते हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर आगे कोई अपील नहीं होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो डिस्पोज करेगा। 60 डेज में अपील हो सकता है। फिर उसके बाद में अगला नॉर्मल एडजुडिकेशन अपील, अगर 23 सेक्शन के अंदर आपको किसी ने पेनल्टी लगाया है, क्लियर है, सिमिलर सा पेनल्टी है वहां पे भी, ए बी सी डी इसी टाइप में, तो पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और सेबी, किसी भी ऑर्डर से अगर आप एग्रीड हो, तो ऐसे सिचुएशन में 45 डेज में आप अपील कर सकते हो सैट को, जो 6 मंथ्स में इसको डिस्पोज करेगा। सेम स्पीडी ट्रायल चाहिए तो स्पेशल कोर्ट के पास जाओ, नहीं तो 60 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट, प्लस 60 डेज रीजनेबल कॉज में सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो, जो डिस्पोजल सुमो करेगा। यह है टोटल अपील्स ऑफ सेबी और सिकरा एक चार्ट के अंदर, और सिकरा में दो अपील्स है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। यह बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे को पूछते हैं सर 15 डेज भी बोला है, 45 डेज भी बोला है, अभी वो डिफरेंट अपील है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो गो फॉर इट फास्ट, कैसा लगा बताइए। हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं बेटा, हाई कोर्ट के पावर ही नॉर्मली स्पेशल कोर्ट को देके रखे है आशा। यहाँ पे ओल्ड रोडी और ओल्ड सिलेबस को भी है सोनल, चलो डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो हो गया सबका। सो 400 बच्चे लगे हुए हैं, तूफान जबरदस्त जिंदाबाद। सो ये हो गया आपका सेबी और सिकरा का अपील खत्म, ठीक है, ये चीज को याद रखना। इसी के अंदर अपील के सभी सेक्शन खत्म होते हैं, इनको थोड़ा सा आपने रीड करना, सेक्शन नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग होल्ड, ये सब एडजुडिकेशन के प्रोसीजर है, और एडजुडिकेशन के प्रोसीजर मैंने कॉमन पॉइंट्स के अंदर फेमा में भी बोली थी किस तरीके से दिखती है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज काम की है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का टेन्योर 5 साल का है, और अदर मेंबर्स का भी 5 साल है, और इनका एज 70 हो चुका है, पहले इनका एज अलग था। जो नियरली अक्टूबर नवंबर 2018 या मार्च 2019 तक मेरे से पढ़े हुए हैं, तब तक इनका टेन्योर था, उसके बाद उनका टेन्योर 70 ईयर्स हुआ है। तो जो बहुत ओल्ड स्टूडेंट है उन्होंने इनका टेन्योर प्लीज चेक कर लेना, यह बहुत जरूरी है। यह मैंने अमेंडमेंट लेक्चर 2 मई 19 में ऑलरेडी कवर किया था, पर बहुत सारे बच्चों को
इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो ये चीज होने के बाद में अगली चीज क्वालिफिकेशन है, कॉमन ऑब्लिगेशन एंटिटीज वगैरह देख रखा है। ओके ठीक है, आ जाइए। अब इसके बाद में मैं जा रहा हूं लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन के ऊपर, जो है एलओडीआर। ठीक है, अब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन के अंदर एक चीज जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, मैं इसको जरा एक जगह पे ले लूं, होल्ड। इसके लिए चार्ट मैंने ड्रॉ किया था, हैव टू जस्ट सर्च इट। चलो हाँ ये आया चार्ट, लेट्स गो। एलओडीआर मतलब लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। इसके अंदर चार बेसिक चीजें हैं, इसको आप चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला आप डिवाइड कर सकते हो क्वार्टरली रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है, दूसरा आप डिवाइड कर सकते हो एनुअल रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है, तीसरा है बोर्ड मीटिंग की नोटिस कहाँ कहाँ लगेगी और कितने दिन की लगेगी, और चौथा है मिसलेनियस प्रोविजन। पहला मैं जाता हूँ क्वार्टरली रिपोर्टिंग के ऊपर। ठीक है, कि हर लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली क्या क्या बोलना पड़ता है और कितने दिनों में, ये मैंने एक जगह पे लाके रखा है। सबसे पहले इन्वेस्टर के कंप्लेंट्स कितने ओल्ड थे हर क्वार्टर के एंड में। ठीक है, जैसे आपका क्वार्टर खत्म हुआ अप्रैल से लेकर जून, तो आपको 21 दिन के अंदर मतलब 21 जुलाई तक के आपको यह बोलना है कि लास्ट क्वार्टर में ओपनिंग कंप्लेंट्स कितने थे, न्यू कंप्लेंट्स कितने आए और क्लोजिंग कंप्लेंट्स कितने हैं। जैसे स्टॉक का मैनेज किया जाता है वैसे ही, और आपने ये मेंशन करना है स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को। ठीक है, ये पहला कि कंप्लेंट्स कितने ओल्ड थे, कितने न्यू है और कितने रिसीव हुए और कितने सॉल्व हुए और कितने अनरिजॉल्व्ड है। दूसरा, आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाई किया क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब इथिकल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, आपने इसको कंप्लायंस किया क्या, किया तो कैसे किया। इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग होता है 15 डेज के अंदर, मतलब 15 जुलाई तक। सिक्योरिटीज होल्डिंग पैटर्न वन डे बिफोर लिस्टिंग क्या था, 21 डेज इन अ क्वार्टरली, वन डे बिफोर लिस्टिंग आपने बताना है। क्वार्टरली सिक्योरिटी होल्डिंग पैटर्न क्या चेंजेस हुए, कितने लोग चेंजेस हुए एक्सेट्रा, ये 21 डेज में बोलना है, मतलब 21 जुलाई तक। और फिर 2% अगर चेंज है सिक्योरिटी होल्डिंग पैटर्न के अंदर, तो आपने वो 10 डेज के अंदर ही नोटिफाई कर देना चाहिए। जिस दिन से 2% से ज्यादा चेंज हुआ आपने इसको नोटिफाई करना है। इसके लिए ना सेबी का एक रेगुलेशन है जो मैंने पढ़ा था, जिसको कहते हैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेकओवर गाइडलाइन, जिसके अंदर बोला है 2% से ज्यादा का कोई चेंज होता है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिफाई द सेम टू द सेबी। अगर आप ये नहीं करते हो कंसिस्टेंटली तो आपके शेयर भी डीलिस्ट हो सकते हैं। फिर अगर आपका कोई फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टरली, इसको कहते हैं लिमिटेड रिव्यू। लिमिटेड रिव्यू फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली को शेयर करना इज लिमिटेड रिव्यू। हमने मैंने कुछ कंपनीज का फिनोलेक्स का स्पाइसर थर्मैक्स का मैंने लिमिटेड रिव्यू किया था, सो आई नो 45 डेज के अंदर आपने इसको रिपोर्ट करना है, मतलब जून एंड का आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा टिल 15th ऑफ अगस्त। क्लियर है सबको कि क्या है न्यू इशू। अगर आप कर रहे हो तो क्वार्टरली उसके अंदर डेविएशन वेरिएशन और उस फंड्स का आपने क्या यूटिलाइजेशन किया, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस साल आपने न्यू इशू किया तो अगले 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर तक आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि आपने जो पैसा आया उसका क्या डेविएशन तरीके से यूज किया। फॉर एग्जाम्पल आपने फैक्ट्री सेटअप के लिए पैसा रेज किया था लेकिन अभी आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग, तो ये बोलना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसे हो रही है ये बोलना पड़ेगा। ये 5 क्वार्टरली रिक्वायरमेंट रेगुलेशन है। फिर आते हैं एनुअल कंप्लायंसेस, जिसके अंदर सबसे पहला फाइनेंशियल रिजल्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट। ये अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट अगर आपका है तो फॉर्म ए में देना है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है तो फॉर्म बी में। ये शायद आपको पता होता है मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड क्या होता है। 60 डेज के अंदर आपने इसको सेबी को फाइल करना है। क्लियर है कंसेप्ट। जैसे ही आपका ऑडिट रिपोर्ट जनरेट हो जाता है उसके अंदर 60 डेज के अंदर सेबी को यू शुड फाइल मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड ओपिनियन फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ में। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट आपने एनुअल जनरल मीटिंग के 21 दिन के अंदर सेबी को फाइल करना चाहिए 21 डेज के अंदर। 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग आपने एनुअल रिपोर्ट फाइल करना चाहिए शेयर होल्डर और मेंबर को। इसके जैसा सिमिलर एक सेक्शन है सेक्शन 136 कंपनीज एक्ट में, जिसमें हम 21 दिन पहले से शेयर होल्डर के लिए बैलेंस शीट पीएनएल ओपन करके रखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करके रखते हैं और उसको शेयर होल्डर्स को देते हैं। सेम एनुअल रिपोर्ट ही आपको उसी समय देना है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर का 6 मंथ्स के अंदर आपको मतलब 30 सितंबर के आसपास आपको सेबी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। यह एनुअल कंप्लायंसेस है। यह कौन से कंप्लायंसेस है, एनुअल।
एनुअल का स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर लेना। आगे फिर आता है बोर्ड मीटिंग का नोटिस का, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के नोटिस अलग अलग तरीके से दी जाती है सेबी को। अच्छा, ये बोर्ड मीटिंग की नोटिस हम दे रहे हैं सेबी को कि आगे ये बोर्ड मीटिंग लेने वाले हैं, क्लियर है। 5 डेज पहले आपने नोटिस देनी है फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए। जिस बोर्ड मीटिंग में आप फाइनेंशियल रिजल्ट एक्सेप्ट करें उसके 5 दिन पहले सेबी को नोटिस देना है। ये इसलिए देना होता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जैसे ही ये बोर्ड मीटिंग आप कंडक्ट करते हो 15 मिनट्स के अंदर सेबी को एक फोन जाना चाहिए कि आपने क्या डिस्कस किया, और 1 घंटे में उनको मेल जाना चाहिए कि आपने इस बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन लिया, क्योंकि ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इनसाइडर ट्रेडिंग बढ़ सकता है। दूसरा, अगर आप डिविडेंड या बोनस वगैरह जैसी चीजें डिक्लेयर करते हो तो 5 दिन पहले आपने नोटिस दे देना चाहिए। 2 दिन पहले आपने नोटिस देना चाहिए डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, फर्दर पब्लिक ऑफर के लिए। डिविडेंड अगर आप दे रहे हो, इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो तो फाइनल डिविडेंड दे रहे हो तो 5 डेज पहले, इंटरिम डिविडेंड जिस बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर कर रहे हो 2 डेज पहले, या बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी आप नोटिस दे सकते हो, क्लियर है। सेक्शन 68 में बायबैक के लिए 2 डेज नोटिस। 11 डेज का नोटिस अगर आपकी सिक्योरिटीज में कोई अल्टरेशन हो रहा है उसके लिए। उसके बाद में रिडम्शन ऑफ शेयर्स या रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए पहले भी 11 डेज का नोटिस जिस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा। 7 डेज का नोटिस आपको उस बोर्ड मीटिंग के लिए देना है। रिकॉर्ड डेट मेंशन कर रहे हो आप किसी भी चीज का। नाउ व्हाट इज रिकॉर्ड डेट? अगर आपने डिविडेंड क्लियर किया और आपको ऐसा चाहिए कि भाई डिविडेंड किसको दू, बिकॉज शेयर तो हर सेकंड ट्रेड हो रहे, तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करते कि इस डेट से इस डेट तक जो शेयर होल्डर कंपनी के रहेंगे हम उनको ही डिविडेंड देंगे। इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड डेट। ये जो है रिकॉर्ड डेट, इसके लिए मीटिंग होती है, रिकॉर्ड डेट डिसाइड करने की मीटिंग होती है। वो मीटिंग की 7 डेज पहले आपने नोटिस देनी है सेबी को, क्योंकि ये रिकॉर्ड डेट इमीडिएटली मीटिंग होने के बाद सेबी को कम्युनिकेट करनी पड़ती है, और 7 डेज पहले नोटिस देना है क्लोजर ऑफ बुक्स के लिए। क्लियर है कंसेप्ट? जिस दिन आप बुक्स क्लोज करो 128-129 के अंदर, उस दिन आपने 7 दिन पहले सेबी को नोटिस देना है। क्लियर है कंसेप्ट? और सबसे आखिरी मिसलेनियस टॉपिक बस है जो हम नोट्स में से पढ़ लेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको सही लगा अच्छा लगा तो गो फॉर इट फास्ट। सब चीजें एक जगह पे। ICDR is not applicable किसी को भी, ना ओल्ड ना न्यू सिलेबस बेटा। लॉ में तो एटलीस्ट नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर अगला ले लीजिए। डन, ये भी ले लीजिए। डन दिस वन। चलो अब ये छोड़ के सेबी में बचता क्या है, उस एलओडीआर के रेगुलेशन को हम यहां पे कंप्लीट करते हैं। आ जाइए, चलिए। सबसे पहले कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर लिस्टिंग एंटिटीज, कंप्लायंस ऑफिसर एंड इट्स ऑब्लिगेशन, ये नॉर्मल है, मिसलेनियस प्रोविजन का पार्ट है, ये पढ़ लेना। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी विल बी कंप्लायंस ऑफिसर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो रेगुलेट करेगा सभी प्रोविजंस को जो अप्लीकेबल है कंपनी को। दूसरा, वो ईमेल एड्रेस को मॉनिटर करता रहेगा जहां पे इन्वेस्टर के कंप्लेंस आते हैं और वो रिड्रेस हो रहे हैं क्या, ये देखेगा। वैसे भी इसका क्वार्टरली रिपोर्टिंग हम करते हैं। प्रोसीजर ऑफ करेक्टनेस फाइलिंग, प्रॉपर फाइलिंग का प्रोसीजर करेक्ट करेगा और उसको प्रॉपरली फाइल कर लेगा, और कोऑर्डिनेशन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में और डिपॉजिटरीज के बीच में। ये चीज को आपने सीएस के लिए याद रखना है। अगला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स यहां पे बोली गई है। 1 कॉमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अच्छा हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लेंगे, जस्ट 1 मिनट। आगे मैंने पूरा चार्ट देख रखा है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग भी हमने इसको दे दिया है, होल्ड। हाँ, अब ये चीज है, इसके अंदर मैंने बोला है कि कितने टाइप के कमिटीज होती है और उसमें कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी के लिए। जैसे बहुत अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना, ऑडिट कमिटी इन केस ऑफ लिस्टेड अनलिस्टेड, रेमुनरेशन कमिटी लिस्टेड अनलिस्टेड, स्टेक होल्डर गवर्नेंस कमिटी लिस्टेड अनलिस्टेड, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी लिस्टेड अनलिस्टेड। अगर आपको याद होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में मैंने एलओडीआर, ऑडिट कमिटी और रेमुनरेशन कमिटी की एप्लीकेबिलिटी साथ में ली थी, ठीक है, वो यहीं से उठाई थी। सबसे पहले ऑडिट कमिटी में लिस्टेड कंपनी में भी 3 लोग होते हैं, अनलिस्टेड में भी 3 लोग होते हैं। ऑडिट कमिटी में ईडी एनईडी होते हैं, अनलिस्टेड में भी ईडी एनईडी होते हैं। लिस्टेड में 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ये हमने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कवर अप किया था, और अनलिस्टेड में मेजॉरिटी चाहिए, चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए लिस्टेड में, अनलिस्टेड में एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलेगा। यहां लिस्टेड में कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी चलेगा, यहां पे भी कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी चलेगा। रेमुनरेशन कमिटी में लिस्टेड में 3, अनलिस्टेड में 3, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ रेमुनरेशन कमिटी रहेंगे लिस्टेड में, ये खास चीज है, मैं खास चीजें यहां पे मार्क कर रहा हूं, ओनली एनईडी, दिस वन इज राइट, 2/3, दिस वन इज खास, ठीक है। फिर उसके बाद में
50%, 50%, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरमैन रहेगा, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही चेयरमैन रहेगा। स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमिटी लिस्टेड 3, अनलिस्टेड 3, ईडी एनईडी, ईडी एनईडी, यहाँ पे एनईडी चेयरमैन रहेगा, ये बात खास है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं भी रहा तो भी चलता है, एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे चेयरमैन रह सकता है अनलिस्टेड में। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी अनलिस्टेड में फॉर्म करने का कोई कंपल्शन है ही नहीं, तो लिस्टेड में नॉट स्पेसिफाइड, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्लियर है। उसके बाद में नॉट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए या नहीं चाहिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या चेयरमैन हो सकते हैं ऑफ द कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी विल बी यूज्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये पूरा आपके मीटिंग्स और कमेटी मीटिंग्स को एक साथ कवर करता है। क्लिक कर लीजिए फोटो, यही चीजें नीचे लिखी है, गो फॉर इट फास्ट। मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर देख रहे हो, मिस सीए आप मेरा और मेरे क्लास में से आप पढ़ रहे हो मेरे नोट्स में से, तो आपने सिर्फ बूस्टर और क्वेश्चन एयर करना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो चलेगा, सिर्फ मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर और अमेंडमेंट्स देख लेना। ऑडिट में भी सेम है बेटा शुभम, ये मतलब मेरे को जहां तक पता है, बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना। चलो डन, चलो हो गया। अब ये नीचे उसी के रिगार्डिंग चीजें देकर रखी है सभी के सभी, सो वही नीचे चीजें डिस्कस की है। यहां आपका सेबी एलओडीआर भी होता है, बहुत अच्छे तरीके से खत्म, क्लियर है कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम शॉर्ट तरीके से मैंने इसको रिवाइज करके दिया है, जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है उसके हिसाब से, ठीक है। सो सेबी यहां खत्म होता है, मुझे स्ट्रीम बंद करना पड़ेगा बिकॉज सिकरा के लिए हमें सेपरेट स्ट्रीम क्रिएट करना है, ठीक है। सो 5 मिनट में वापस नया स्ट्रीम शुरू हो जाएगा, तो हम उसके साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिकरा हम कंप्लीट करेंगे और सिकरा के बाद ही हम ब्रेक लेंगे, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। सो 5 मिनट्स में हम वापस स्ट्रीम क्रिएट कर रहे हैं, आप वहां पे क्वेरीज पूछ सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक ठोको, 394 लोग ऑनलाइन है और वीडियो को सिर्फ 132 लाइक, कैसे ऐसा कैसा चलेगा दीदी, ठीक है। तो सबने फोटो ऐसा कैसे चलेगा दीदी, तो आपने जरूर बुलाती है पर लाइक ठोकने का, ठीक है। तो ये चीज को याद रख लो, फटाफट लाइक ठोको। फटाफट 250-300 लाइक तो हो जाने चाहिए इमीडिएटली। और कोई क्वेरी है तो, कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लो, यहीं सॉल्व कर दूं जब तक लाइक नहीं आते। इकोनॉमिक लॉ 6D का कोई रिवीजन नहीं होने वाला सोरल, मैं ऑलरेडी कितने बार डिक्लेयर कर चुका हूं, ये दूसरे वीडियोस भी यूट्यूब के देखा करो प्लीज। थैंक यू सो मच हेतल बेटा, थैंक यू सो मच अविरुचि, थैंक यू सो मच शुभम, एवरीबडी थैंक यू सो मच। मेरे को भी बुलाया था पर मैं गया नहीं, बुलाती है पर जाने का नहीं, ठीक है। एग्जाम बुलाती है पर जाने कहा, आईसीए के एग्जाम बुलाती है तो जाने का नहीं, नहीं बोलना, आईसीए के एग्जाम बुलाती है तो जाने का, ठीक है। है रे बेटा अंकित, ऑलरेडी बोला ओल्ड सिलेबस को है करके, थैंक यू सो मच बेटा सरोज। 250 ठोको फटाफट फटाफट, स्ट्रीम बंद करना है। शानदार, पहुंच रहे हम, पहुंच रहे हैं, बहुत बढ़िया। केस स्टडीज का लेक्चर सोनल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एक दूसरा लेक्चर पेंडिंग है आपके। सोनल सब्सक्राइब करके रखो यूट्यूब को, नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेरीज में सॉल्व नहीं करूंगा सोनल जो ऑलरेडी यूट्यूब पे डिक्लेयर हो जाते हैं ऑलरेडी। अब हर एक चीज का क्या पर्सनली लिंक भेजू क्या बेटा? 226 बाकी बूस्टर पेज के बुक डिलीट हो चुके हैं, आईसीडीआर पूरा डिलीट हो चुका है दीपक कुमार। थैंक यू सो मच मिस सीए, सोल बुक बनाया ही मोटिवेशन पर्पस के लिए है। सोल बुक ऐसी चीज है कि अगर आप कभी डिमोटिवेटेड फील करो तो उसमें से 5-6 स्टोरी पढ़ लो तो एकदम ऐसे एनर्जी जाग जाएगा जिंदा अंदर का, तो जरूर पढ़ना है इसको, ठीक है। जिनके पास सोल बुक नहीं है, मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में से आप ले सकते हो किसके पास, जिनके पास नए रिकॉर्डिंग है, ओल्ड रिकॉर्डिंग में ये नहीं था, अभी नया इंप्लीमेंटेशन किया है हमने। चलो सो मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूं, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। 5 मिनट के अंदर नया स्ट्रीम शुरू होगा, सिकरा के बाद ब्रेक लेंगे, गो फॉर इट फास्ट।
थैंक यू सो मच अनुराग बेटा, थैंक यू सो मच उज्ज्वल, अनुज सचदेव, मधुर मधुकर, थैंक यू लक्ष्य,